किया गया, तो क्या कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल लॉबी है जो इस तरह काम कर रही है देश में और वेब सीरीज के जरिए आप लोगों को थोपना चाहती है? देखिए, बड़ा देश है और इस देश में बहुत लोग देश की खूबसूरती के लिए, मजबूती के लिए काम करते हैं, लेकिन इस देश में इस तरीके की ताकतों से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जिनको भारत के लोकतंत्र ईर्ष्या है, भारत की राजनीतिक स्थिरता से ईर्ष्या है, भारत की लोकप्रिय सरकार के कामकाज से ईर्ष्या है। तो इस तरीके के लोग इस तरीके की सनसनी फैलाकर ओछी हरकतें करके मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र का, निर्वाचित सरकार का और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान वो निश्चित रूप से कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि निंदनीय भी है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जगह-जगह पहली बार नहीं हुआ है और बेशक भारत का लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता होगा, लेकिन उस आजादी के नाम पर जिस तरीके से खासतौर पर फिल्मों में और इस तरीके के एपिसोड्स में जिस तरीके से दिखाया जाता है, मुझे लगता है कि चित्रों में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान उस निरंकुश अभिव्यक्ति की आजादी के साये में किया जाता है, लेकिन तांडव में जो वर्णित किया गया उसमें भगवान शिव से लेकर उनकी महिमा का जिस तरीके से अपमान किया गया, साथ ही साथ चित्रांकन के माध्यम से बेशक, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उस कलाकार की किससे चाहिए आजादी, यानी आजादी के बारे में जो नारे जेएनयू में लगे वो एक बार वापस स्मृतियों में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से इस देश में सनसनी फैलाने की, सस्ती लोकप्रियता की और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में गलत परोसने की जो परंपरा चली थी वो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से की जा रही है, बेहद निंदनीय है और बिल्कुल एविडेंट है, प्रमाणिक है, जिसपे जो चीजें दिखाई गई हैं जो आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से इंटरवेंशन की भी जरूरत है, भविष्य में इस तरीके से नहीं हो, क्योंकि ये साफ दिखाई देता है कि लोगों को जाति में, पंथ में, मजहब में बांट के और विद्वेष फैलाने की ओछी हरकत है। आया है, लेकिन मैं पार्टी के फोरम पे तो नहीं कहता कि, क्योंकि केंद्र से कैसे निर्देश मिलते हैं, हम लोग भी आपस में बातचीत करेंगे, पर इसको ठीक तरीके से देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ इस पे इस तरीके के दबाव बनाने की जरूर आवश्यकता है कि लोगों में इस मुद्दे को किसी तरीके के भ्रम की बजाय सत्यता से परखें और लोग इस चीज को समझें, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की हिम्मत जरूर नहीं करें।